तो दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तरफ से काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल अब जल्द ही यहाँ पर हाई स्पीड पटरियों को बिछाने का काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ पर NHSRCL ने जापान की एक कंपनी है, जापान रेल ट्रैक कंसल्टेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JRTC, इनके साथ एक MOU को साइन कर लिया है। नाउ अब ये जो MOU साइन किया है, इसके चलते वो भारत के लिए स्पेशली डिजाइन करेंगे हाई स्पीड रेलवे ट्रैक का, और ये T3 पैकेज का एक हिस्सा है। दैट मीन्स 116 किलोमीटर लंबा ये लोग ट्रैक डिजाइन करेंगे बिटवीन वडोदरा एंड साबरमती डेपो। ये लोग अब एक काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये जो जापानीज कंपनी है JRTC, ये लोग सब डिटेल्स, डिजाइन, ड्राइंग ऑफ हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक कंपोनेंट्स, जिसमें RC ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब अरेंजमेंट, फिर जो कंटिन्यूस वेल्डेड रेल्स, जो एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफी सीमलेसली यहाँ पर ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसका डिजाइन भी ये लोग भारत को देंगे। डायरेक्टर प्रोजेक्ट ऑफ NHSRCL राजेंद्र प्रसाद जी ने भी इस MOU की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि NHSRCL, JICC और JRTC, हम तीनों मिलकर काफी कड़ी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन बनाने में। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जापानीज एजेंसी है JRTC, ये तो एक काफी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हाईली टेक्निकल वर्क, इनको काफी एक्सपर्टीज है इसमें, और इनके कोऑपरेशन की बदौलत डेफिनेटली हम ट्रैक के डिजाइन को काफी आसानी से क्विकली फाइनलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि NHSRCL ने एक और MOU साइन किया है डिजाइन ऑफ ट्रैक्स के लिए ही, एज अ T2 पैकेज, और इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा है। 237 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन होगा बिटवीन वडोदरा एंड वापी। सो भारत तो यहाँ पर पूरी तरह से लगा हुआ है, बट यहाँ पर जापानी सरकार भी अपनी पूरी मशक्कत में लगी हुई है, टेक्निकल, फाइनेंशियल असिस्टेंट, सब तरह से भारत की मदद करने में लगी है, जापान की गवर्नमेंट भी। सो ये काफी अच्छी बात है, और होपफुली अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र में इश्यू चल रहा है लैंड एक्विजिशन को लेकर, ये भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होने वाला है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।